कल राहुल गांधी का बयान सुन के बहुत ही दुख होया, इन्ना अफसोस होया कि 40 साल होने तो आए ने, लेकिन इस गांधी परिवार का 40 साल एक भी पश्चाताप का शब्द, माफ़ी तो छोड़ो पश्चाताप का शब्द भी सुनन नू कन तरस गए ने। तो जब मौका मिलिया कि जिहड़ा राहुल गांधी कहिंदा मैं एक अपने आप नू नवा रीइनवेंट कर रहा है दुनिया ते देश च, मैं फिर के लोकां दी मैं उन्हां दे हालात देख रहा, उन्हां दी तकलीफां देख रहा। मैं तो आस करदी सी कि दिल्ली दी जिहड़ी विधवा कॉलोनी है अपनी यात्रा उहदे विच्चों भी लैके जाऊगा, क्योंकि दिल्ली तो रहण दे बावजूद कदे उस पासे तुरिया ही नहीं। लेकिन जब सवाल पूछा गया कि तुसी पंजाब च आए हो ते दरबार साहब च नतमस्तक होए हो, उत्थे कंध हैगी जिथे थोड़ी दादी ने गोलियां दे नाल साडे धार्मिक स्थान नू छली कीता, जिस धार्मिक स्थान च अज भी गुरु ग्रंथ साहब जी मौजूद ने, जिथे गोलियां दे नाल साडे गुरुआं दे उत्ते वार इहदी दादी ने कीता सी। दस्तार तां बन लित्ती, ड्रामा तां कर लिया, लेकिन उहदा पश्चाताप, उहदा दुख, उहदी माफ़ी दा इक शब्द, ते किन्ना दुख होया कि बंदे दे अहंकार देखो, इहदी सिखा प्रति सोच देखो। कहिंदा उह तां मनमोहन सिंह ने कह लिया जो कहना सी, मेरी माता ने कह लिया, राहुल गांधी जी सिखां दे कन तरस गए ने गांधी परिवार तो कुछ सुनन वास्ते, थोड़ी माता ने कहा कि मैनू नहीं लगता कि देश विच कोई सिख जानता है, असी तो नहीं जानते, जरा सानू सुनाई दो थोड़े माता ने किहड़ी माफ़ी दे शब्द पिया सीगा। ते जिथे ताईं मनमोहन सिंह जी की गल है, वह गांधी परिवार के हैगे जी, कि उन्होंने टैंका धोपा के नाल ऑर्डर दिते सीगे, कि उन्होंने कतलेआम कराए से, शब्द तो साढ़े कान च उही गूंजते हैं कि जब वड्डा दरख्त गिरदा है तो धरती हिलदी है, किन्हें कहा सीगा लखा साढ़े भरावां दे कतलेआम गलां च एक तायरा पा पा के साड़िया गया, निक्के निक्के बच्चे तक भी नहीं छड़े तुसी, औरतां दे नाल की कीता गया। मैं तो उन्हां कैंपां च काम कीता है, अपनी अखी सारा कुछ देखिया है, हंडाया भी हैगा, तुसी तो हाथ धोते ना कि मैं तो छोटा बच्चा सी, मैनू तो पता ही नहीं, हुण तो छोटे बच्चे रहे नहीं, विधवा कॉलोनी च जाके पुछ लो, माड़ा ही जी माफ़ी जे मंग लैंदे ना शायद मलम लग जाता उन्हां विधवावां दा जिन्हें 40 साल हो गए इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए। इंसाफ तो की देना सी, कदे कतल करान वालिया नू कमलनाथ मुख्यमंत्री बनता है, कदे जगदीश टाइटलर मनमोहन सिंह की कैबिनेट च वजीर बनता है, इन्हों तो सज्जन कुमार वर्गिया तो टाइटलर वर्गिया तुसी निवाजते रहे हो, तो थोड़े दिल च सिखा प्रति किन्ना सारा, किन्ना थोड़े साढ़े खिलाफ, पंजाब खिलाफ की कुछ भरिया होया है। 40 साल बाद भी इस गांधी परिवार के खून च नफरत किहोजी वगदी है, वो तुसी जदे जवाब दिता ना कि मेरी माँ ते मनमोहन सिंह बोल चुके ने, उहदे विचों सब नू बिल्कुल जग जाहिर हो गया कि कल्ले दस्तार बन के ये ड्रामा तो वध होर कुछ नहीं। शर्म आती है तो थानू भी शर्म आनी चाहिए है, जिस परिवार विच तुसी जन्म लिता है उस परिवार ने इस कौम प्रति जो कुछ किया है वह कदे माफ़ करन जोगा नहीं है। तो मैं उन कांग्रसियां नू भी पुछदी हाँ जिहड़े अगे पिछे तुरदे रहे, खास तौर पर एक मैंबर ऑफ पार्लीमेंट जिन्हों तो पानी च डुब मरना चाहिए है, दसम पिता की सजाई हुई दस्तार कहिंदा राहुल गांधी करके मैं पाई हुई है, शर्म आनी चाहिए है, शर्म। मैं राहुल गांधी नू कहनी हाँ जरा आप दे माँ ने जिहड़ी बयान सोनिया गांधी जी ने दिते ने सुना तो दे सानू, असी सुनीए तो सही कि कित्थे इस परिवार ने माफ़ी का एक लफ्ज़ तक किया है, 40 साल तो जिहड़े दुख नू हंडा रही है कौम, थोड़ी देन अजे मैं उस जाना भी नहीं कि कह नशेड़ी कह के तुसी साढ़े सारे नौजवानों को बदनाम किया, वो थोड़ी देन सी, मैं उत्थे ताईं आई नहीं रही, मैं सिर्फ अपने लखा करोड़ा जिहड़े अपने अज ताईं पीड़ित परिवार इंसाफ लई दर दर ठोकरा खांदे फिर रहे ने, ते जिहड़े साढ़े दरबार साहब दे अज ताईं निशान उत्थे ने, अज ताईं साढ़े गुरु ग्रंथ साहब उत्थे, कि उहदे वास्ते माफ़ी का एक शब्द साढ़े जबान ताईं आंदा है कि नहीं आंदा, ये जानना चाहती है, तो थोड़ी माता ने की किया ये जरूर दसना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।